अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शायद ये कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल जी ने कहा था कि यह वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। आज मैं ओपन एयर में वीडियो इसलिए भी बना रहा हूँ, आसमान के नीचे भगवे झंडे के नीचे पीछे दिख रहा होगा आपको, क्योंकि आज बात ही ऐसी, आज भारत की बात है। अभी कल मैंने न्यूज़ पढ़ी, दिल्ली के किसी व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली है कि कॉन्स्टिट्यूशन में से इंडिया शब्द हटा के देश का नाम भारत रहने देना चाहिए। ठीक, वैसे भी ऑलरेडी लिखा हुआ है इंडिया दैट इज़ भारत, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी एक्सेप्ट करता है कि इस देश का नाम भारत ही है, क्योंकि इंडिया लगा हुआ है, हमें उससे तकलीफ है। वो ये दिखाता है कि हम लोग ब्रिटिशर्स के गुलाम थे, इसलिए नहीं कि यहाँ की किसी चीज़ से वो लोग इंस्पायर हो कि इंडिया नाम दे के, नहीं, उन्होंने कई देशों के साथ और किया हुआ है, ये एक स्लेवरी की छाप छोड़ जाता है कि हम लोग कभी स्लेव थे। तो इस चीज़ का पोज होना चाहिए, इस चीज़ को एक मत से उठाना चाहिए, पूरी भारत की जनता को उठाना चाहिए, 130 करोड़ देशवासियों को जुटाना चाहिए और लग के इसको चेंज करा लेना चाहिए। मुझे नहीं पता सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आएगा, क्या पहलू आएगा, क्या नहीं आएगा, क्या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन जनता अपना समर्थन दे सकती है, जनता आवाज़ उठा सकती है, जनता सरकार तक बात पहुँचा सकती है कि अगर जजमेंट नहीं आता है तो बिल ला के चेंज करे, लेकिन करे। हमारी आज़ादी कितने साल हो गए, हमने अभी तक वो धब्बा नहीं हटाया है जो इंडिया के नाम पर वो अब तक दे चुके हैं और अंग्रेज़ी के नाम पर वो दे के चले गए हैं। जैसे लोग एक कहावत थी, अंग्रेज़ चले गए अंग्रेज़ी छोड़ गए, उसी तरीके से ये नाम भी छोड़ गए और अपनी भाषा भी छोड़ गए, और सबसे ज़्यादा भाषा उनकी अगर कहीं भी दुनिया में बोली जाती तो भारत ही है। तो हमें इन सब चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा, हमें इंडिजिनस चीज़ों को अपनाना पड़ेगा, तभी हमारी अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी बनेगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। ये बातें सबको पता होनी चाहिए कि याचिका दायर हुई है, 2 जून को सुनवाई होगी, पहले होने वाली थी लेकिन जज साहब मौजूद नहीं थे, उनकी ना मौजूदगी की वजह से डेट टल गई 2 तारीख तक के लिए, तो होगी और देखते हैं क्या आता है। अब एक दिन में तो फैसला नहीं आएगा, मुझे जाहिर सी बातें पता है, लेकिन तब भी जज साहब में चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी वो नाम है, बस एक नाम को हटाना है और एक नाम को रखना है, उसके बड़े रिपरकशन बड़े चेंजेस और भी हो सकते हैं लेकिन वो सेकेंडरी हैं, लेकिन प्राइमरी यही है कि फैसला दिया जा सकता है, और नहीं तो आप सरकार पर प्रेशर बनाइए कि बिल ला के इसको चेंज करें। जय हिंद, वंदे मातरम।